कि आपके सामने में चार या पांच क्वेश्चन अगर डाल दिया जाए, उतने सारे क्वेश्चंस में से आप कैसे पहचानेंगे ये वही क्वेश्चन है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम पर या आधार पर बनाया जाएगा। और दूसरी नंबर बात यहाँ पर यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कई सारे पहचान हैं जो कि हम आपको लिख चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करेंगे। अगर वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अथवा ता हुआ रहेगा, ते हुए रहोगे, ती हुई रहेगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, तथा समय की बिंदु या अवधि की बात कर लेते हैं। अगर ये सारे पहचान अगर मिल जाते हैं तो आप उनको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को डाल चुके हैं कि मैं खेलता हुआ रहूँगा। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ता हुआ रहूँगा अगर नहीं होता तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर नहीं बनता। और सबसे पहले हम आपको छोटा क्वेश्चन ही डाल दिए हैं, फिर उसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ले चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि मैं खेलता हुआ रहूँगा, तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर मैं के अंग्रेजी आई लिखेंगे, फार्मूला में आई के साथ क्या डालना है बेटा, ये शैल के बाद हैव के बाद बिन, आई शैल हैव बिन। रही बात खेलने की तो आप यहाँ पर प्ले लिखो, प्ले लिख करके आप यहाँ पर ये प्लेइंग लिखेंगे। अगली क्वेश्चन है, मैं 2 दिनों से वहाँ जा रहा हूँगा, या आप यहाँ पर होंगे अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर होंगे भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, नीचे थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आप डिवाइड करते हैं। पहले एक नंबर में मैं, 2 नंबर में जा रहा हूँगा, कहाँ, वहाँ, कब से, तो 2 दिनों से। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे बेटा कि यहाँ पर आप मैं के अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई के साथ क्या डालेंगे आप यहाँ पर, शैल के बाद हैव और ये बिन, शैल हैव बिन। इसके बाद गो का गोइंग लिखेंगे, वहाँ का देयर लिखेंगे। रही बात यहाँ पर 2 दिनों से, तो इसमें सीन्स ना लगा करके फोर लगा सीन्स ना लगा करके फ्रॉम फोर का यूज़ करना है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक बात क्लियरेंस ये कर देते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सीन्स भी लगाया जाता है, फ्रॉम भी लगाया जाता है। जैसे आप गौर करेंगे, हम आपके सामने में 3 ऑप्शन आप डाल रहे, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वह सोमवार से बीमार है अंत में है, तो यहाँ पर आप सीन्स मंडे लिखेंगे। वह सोमवार से बीमार था, तो है वाले में और था वाले में क्या लिखना है बेटा, सीन्स लिखना है। वह सोमवार से बीमार होगा, इसके अंत में गागेगी है, यानी मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो फ्यूचर से है। तो फ्यूचर टेंस में आपको फ्रॉम का यूज करना है, लेकिन रही बात यहाँ पर प्रेजेंट की और पास्ट की, तो उसमें आप सीन्स को ले चलेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रॉम तो नहीं लिखेंगे, वह पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पर 2 दिनों से कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये 4 2 2 लिखने के बाद आप यहाँ पर ये डेज लिख लो, आई सेल हैव बीन गोइंग देयर, 4 4 के बाद 2 2 के बाद डेज, कोई दिक्कत नहीं। वह 3 घंटा से खेल रहा होगा, इस क्वेश्चन को भी डिवाइड करते हैं, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में खेल रहा होगा, कब से, तो 3 घंटा से। तो करना यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही, फार्मूला में आप यहाँ पर ही को देख रहे हैं ना, ही सी इट नेम यू दे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल सब्जेक्ट, इसके साथ विल हैव बीन डालना, मगर कहाँ पर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर विल हैव बीन, आप यहाँ पर विल हैव बीन लिखने के बाद करना क्या बेटा, यहाँ पर आपको बी1 प्लस ING डालना है। तो खेलना की अंग्रेजी आप प्ले लिखो, फिर अंत की इस मंथ में ING डाल ले, तो ये प्लेइंग हो जाएगा। रही बात यहाँ पर 3 घंटा से की बात हो रही है, तो घंटा के साथ फ्रॉम ना लगा कर कि आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 के बाद N, N लिखने के बाद HOUR।
उसी तरह हम आपको अगली क्वेश्चन बताते चलते हैं। वे लोग 2 बजे से पढ़ते रहेंगे, इसको भी डिवाइड करते, 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में पढ़ते रहेंगे, कब से? तो 2 बजे से। तो यहाँ पर करना क्या है कि वे लोग की अंग्रेजी बेटा दे लिखना, ही सिट नेम यू दे, यहाँ पर दे मिल गया ना जी, देख रहे हैं ना आप, यहाँ दे के साथ क्या डालना है भाई, विल हैव बीन डालना है। तो आप यहाँ पर विल हैव बीन को डाल लो, दे विल हैव बीन, पढ़ना है कि अंग्रेजी रीड, रीड लिख करके आई एन जी रीडिंग लिखेंगे, दे विल हैव बीन रीडिंग। रही बात यहाँ पर फ्रॉम और फोर की, तो यहाँ पर फोर ना लगा करके फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम लिखने के बाद टू ओ सी एल ओ सी के। एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर पीछे वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे सर, उसमें आप बताए थे कि बजे रहे तो आप सीन्स लगाना, सर यहाँ पर आप फ्रॉम लगा रहे हैं, हम कैसे जाने कि सीन्स कब लगेगा, फ्रॉम कब लगेगा। चलिए फिर हम आपके प्रॉब्लम को क्लियर कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में रहता वे लोग 2 बजे से पढ़ रहे हैं तो आप इसमें सीन्स लगाते, सीन्स टू ओ क्लॉक, वे लोग 2 बजे से पढ़ रहे थे, इसमें भी आप सीन्स टू ओ क्लॉक लिखते। लेकिन यहाँ पर अंत में है भी गायब है, थे भी गायब है, उसके जगह पर गे लगा हुआ है, यानी फ्यूचर है ये सेंटेंस। तो फ्यूचर में फ्रॉम ही लगाना है, आपको सीन्स नहीं लगाना। अगर आप सीन्स लगाएंगे तो ऐसा बनाना क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आप देख लेते हैं। तुम 10 दिनों से उस काम को कर रहे होगे, तो इसको डिवाइड करते, 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में कर रहे होगे किसे, तो उस काम को कब से, तो 10 दिनों से। इसको थोड़ा सा हम क्लियरेंस कर देते, थोड़ा सा आप गौर कर लेंगे इसी जगह। तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहां पर यू लिखेंगे, और यू के साथ क्या डालना है बेटा, ये विल हैव बीन। तो आप यहां पर विल हैव बीन डाल लो, करना है तो डू लिखेंगे, डू का आप यहाँ पर डूइंग कर लो। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में कर रहे होगे, किसे कर रहे होगे, तो उस काम को, तो उस काम की अंग्रेजी आप यहाँ पर डाइट लिखेंगे, और डाइट लिखने के बाद वर्क लिखेंगे, 10 दिनों से है तो आप यहाँ पर बेटा 4 लिखो, और ये 10 लिखेंगे, 10 लिखने के बाद यहाँ पर हम डेज लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। वे लोग मार्च से वहाँ जाते रहे होंगे, एक विद्यार्थी जी का कंप्लेन आ रहा है, क्या बेटा वो यानी एक जगह मिस कर गया है ना, यानी आपका कहना ये था कि वो 3 घंटे से खेल रहा, वहाँ पर सर आप गलती से 4 एन आवर लिखे। चलिए आप वहाँ पर एक काम करेंगे, 4 एन आवर को वहाँ पर मिटा करके या कट करके आप वहाँ पर 4 3 आवर्स कर लेंगे तो हो जाएगा ना, ही विल हैव बीन प्लेइंग 4 3 आवर्स, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा, तो इसको डिवाइड करते हैं। वे लोग 1 नंबर में, 2 नंबर में जाते रहे होंगे, कहाँ जाते रहे होंगे, वहाँ कब से, मार्च से। तो करना यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर वे लोग की अंग्रेजी दे लिखो, और दे के साथ क्या करना है, विल हैव बीन, 2 नंबर में जाते रहे होंगे तो गो का क्या लिखेंगे बेटा, गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे भाई, वहाँ, तो आप वहाँ की अंग्रेजी यहाँ पर देर डाल लो। मार्च से है तो यहाँ पर सिंस मार्च ना लिख करके आप यहाँ पर फ्रॉम मार्च लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये यह रहता मार्च से जा रहे हैं तो सिंस लग जाता, मार्च से जा रहे थे तो सिंस लग जाता, लेकिन यहाँ पर
सेंटेंस के अंत में है भी गायब है, थे भी गायब है, मगर ये दोनों के जगह पर गे लगा हुआ है, यानी फ्यूचर सेंटेंस है। तो फ्यूचर में आप यहाँ पर फ्रॉम ही लिखेंगे, सीन्स ना लिखेंगे, यानी सीन्स के जगह पर आपको फ्रॉम का यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं। वह एक बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो, इसको भी डिवाइड करते हैं, एक नंबर में वह, दो नंबर में प्रतीक्षा कर रही होगी, किसकी, तुम्हारी, कब से, तो एक बजे से। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर सी लिख लो, और सी के साथ क्या करना है, यहाँ गौर करेंगे आप, सी के साथ क्या डालना है, विल हैव बीन। तो सी के साथ यहाँ पर हम विल के बाद हैव के बाद बीन लिखेंगे, और प्रतीक्षा करना है तो डब्ल्यू ए आई टी फिर आई एन जी, वेटिंग के बाद फोर के बाद यू लिखेंगे, मगर कब से है, एक बजे से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखने के बाद वन के बाद ओ सी एल ओ सी के। तो इस तरह से क्या काम करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे, अगर यहाँ पर वह नहीं होता तो यहाँ सी लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, और प्रतीक्षा कर रही होगी, अगर ये वर्ड नहीं होता तो फिर यहाँ पर हम ना विल लिखते हैं, ना हैव लिखते हैं, ना बिन लिखते हैं, ना वेटिंग लिखते हैं, ना और ना ही यहाँ पर फॉर यू लिखना कोई ज़रूरी होता। और उसके बाद यहाँ पर है एक बजे से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वन ओ क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका कहना है कि सर एक क्वेश्चन जो मिस किए थे सर, थोड़ा सा उसको फिर से बना दे। चलिए बना देते हैं, हम आपकी शिकायत को दूर कर देते हैं, आप लोग सही नहीं किए। वतीन घंटों से खेल रहा होगा, चलिए सही कर देते हैं। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर थ्री एच ओ यू आर एस, ये तो आप खुद भी मिटा करके थोड़ा सही कर लेते, खैर कोई बात नहीं है। अब आपका कहना ये कि सर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, चलिए हम आपके इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम आपको बताते चलते हैं थोड़ा सा। वो एक घंटा से रो रहा होगा, ही विल हैव बीन वेपिंग फॉर एन आवर, निगेटिव इसका, ही विल नॉट हैव बीन वेपिंग फॉर एन आवर, विल ही हैव बीन वेपिंग फॉर एन आवर, और चौथे नंबर में विल ही नॉट हैव बीन वेपिंग फॉर एन आवर, पांचवें में वाई विल ही हैव बीन वेपिंग फॉर एन आवर। तो आज के लिए इतना ही, अगर इतना के बाद अगर आपको किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।